हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज से हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री यानी इतिहास। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, हर एग्जाम में आता है। और इस वीडियो से हम एमपी के रिस्पेक्ट में हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे, यानी कि हम देखें तो एमपी की हिस्ट्री की शुरुआत कर रहे हैं आज से। ये फर्स्ट क्लास है, तो हम ये इमेजिन करके चलते हैं कि हमें कुछ भी नहीं मालूम हिस्ट्री में, लेकिन हमने कभी सुना है हिस्ट्री में तीन पॉइंट होते हैं, एंशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास, सेकेंड मिडिवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन इतिहास, एंड थर्ड मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक इतिहास। और थोड़ा मोड़ा हमें ये भी पता है भाई, एंशियंट हिस्ट्री में वैदिक कल्चर से रिलेटेड कुछ बातें होती हैं, मिडिवल हिस्ट्री में बाबर हुमायूं मुगल से रिलेटेड कुछ बातें होती हैं, एंड मॉडर्न हिस्ट्री में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसने राज किया, और गांधी जी ने जो इवेंट थे वो सारे मॉडर्न हिस्ट्री में आते हैं, ये हमें पता है। तो फ्रेंड्स, हम इनको डिटेल में करेंगे और एमपी की रिस्पेक्ट में करेंगे, ये एमपी हिस्ट्री है। लेकिन जहां भी समझने के लिए जरूरत पड़ेगी वहां हम ओवरऑल इंडिया की हिस्ट्री का ओवरव्यू देखेंगे। तो फ्रेंड्स, जब हम हिस्ट्री पढ़ना शुरू करते हैं तो उसकी शुरुआत हम एंशियंट हिस्ट्री से नहीं करते। हिस्ट्री यानी इतिहास का मतलब होता है रीडेबल रिटन डॉक्यूमेंट्स, मतलब ऐसे डॉक्यूमेंट्स, ऐसे लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स जो पढ़े जा चुके हैं या पढ़े जा सकते हों और जिनकी प्रमाणिकता हो, वही हिस्ट्री का पार्ट बनता है। बहुत सारे राइटर हिस्ट्री के बारे में लिखते रहे और वो प्रमाणित होता गया है, तो वो हिस्ट्री बनता चला गया। यानी हमने जो एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री देखा, ये हिस्ट्री का पार्ट है, मतलब ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें हम पढ़ चुके हैं। तो यानी हम ऐसा लिख सकते हैं कि ऐसे लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको पढ़ा जा चुका है। लेकिन आप सोचें, इससे पहले का कोई टाइम हो जो डॉक्यूमेंट्स लिखे तो जा चुके हों लेकिन पढ़े नहीं गए हों, उन्हें पढ़ने में कामयाबी नहीं मिली हो, उनको हम बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री, और हिंदी में बोलते हैं आद ऐतिहासिक काल। इस पीरियड का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा सिविलाइजेशन के डॉक्यूमेंट्स तो लिखे हुए मिलते हैं लेकिन उनको पढ़ने में अभी कामयाबी नहीं मिली है। लेकिन इससे पहले का टाइम जब कोई डॉक्यूमेंट्स ही नहीं थे, मतलब पत्थरों को देख के, मेटल्स को देख के हिस्ट्री का पता लगाते थे, उसको हम बोलते थे प्री हिस्ट्रिक टाइम, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक ओवरव्यू देखेंगे हिस्ट्री का। हिस्ट्री का आपने ओवरव्यू देखा, ये एंशियंट हिस्ट्री है, उसके बाद मिडिवल हिस्ट्री, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री, ये हिस्ट्रिक टाइम में आते हैं। लेकिन इससे पहले प्रोटो हिस्ट्री और प्री हिस्ट्रिक टाइम भी है। प्री हिस्ट्रिक वो टाइम है जहां लिखे हुए साक्ष्य नहीं है और जब लिखा नहीं गया तो पढ़ा तो नहीं गया, मतलब हम पत्थर और मेटल को देख के पता लगाते हैं इस काल में, प्री हिस्ट्रिक टाइम में। उसके बाद आया प्रोटो हिस्ट्रिक, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आगे ऐतिहासिक, जिसमें लिखे हुए साक्ष्य लेकिन पढ़ नहीं पाए हैं, और हड़प्पा सिविलाइजेशन इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। और उसके बाद आता है हिस्ट्रिक टाइम, या हिंदी में बोलेंगे ऐतिहासिक काल, जिसमें एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री है। तो सबसे पहले हम प्री हिस्ट्रिक टाइम को ही कंप्लीट करेंगे, ये बहुत पुराना टाइम है, आपको आइडिया लग ही रहा होगा, सबसे पहले आ रहा है। इसमें कुछ लिखा पढ़ा साक्ष्य तो है नहीं, तो स्टोन को देख के हम पता लगा रहे हैं, इसलिए हम इसको स्टोन एज या पाषाण काल भी बोलते हैं। पाषाण मतलब पत्थर, तीन पत्थरों को देख के इसमें पता लगाते हैं कब का पत्थर है। अगर पुराना पत्थर है तो बोलते हैं पैलियोलिथिक, या हिंदी में बोल सकते हैं भाई पुराना पत्थर यानी पुरा पाषाण। फिर आएगा सेकंड मीजोलिथिक, मतलब थोड़ा सा नया पत्थर, या शुद्ध हिंदी में बोले तो मध्य पाषाण। एंड थर्ड आता है नियोलिथिक, आपको आइडिया भी लग गया होगा थर्ड कौन सा आएगा, यानी नया पत्थर, शुद्ध हिंदी में बोलेंगे तो नव पाषाण। ये अभी हम कौन सी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ये प्री हिस्ट्रिक टाइम जो है, प्राग ऐतिहासिक काल। इसमें भी तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया है, पुराना पत्थर, नया पत्थर और बीच का पत्थर। वैसे तो हमें इसका टाइम भी याद रखना पड़ता है, लेकिन आप 10,000 BC से 8,000 BC अगर ये याद कर लो, 10,000 से 8,000 BC, BC आप समझ ही रहे होंगे, बिफोर क्राइस्ट की बात हो रही है, ये मध्य पाषाण मीजोलिथिक टाइम है। इसके बाद 8,000 BC से 4,000 BC ये नियोलिथिक टाइम है, और 25,00,000 BC बहुत पुरानी बात हो रही है फ्रेंड्स, 25,00,000 बिफोर क्राइस्ट, 25,00,000 से 10,000 BC ये पैलियोलिथिक टाइम है यानी पुरा पाषाण। यानी आप देख रहे हैं पुरा पाषाण में काफी लंबा टाइम हमने कवर कर लिया है। याद कैसे रखना है आपको, 10,000 BC 8,000 BC ये याद रखना है, बाकी दोनों नंबर आपको याद आ जाएंगे। ये पुरा पाषाण यानी पैलियोलिथिक इतने बड़े टाइम को कवर कर रहा है, तो इसको भी हम फिर तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक तो लोअर पैलियोलिथिक यानी निम्न पुरा पाषाण, एक मिडिल पैलियोलिथिक और एक अपर पैलियोलिथिक। हिंदी में आप कन्वर्ट कर लेना निम्न, मध्य एंड उच्च पैलियोलिथिक। ये तीन पार्ट में क्यों डिवाइड करना पड़ा, क्योंकि आप देख ही रहे हैं इसमें बहुत सारा टाइम कवर किया है पैलियोलिथिक में। इसको आप याद रखते हैं तो ठीक है, नहीं भी रखेंगे तो काम चल जाएगा। फिर पत्थर ढूंढते ढूंढते मेटल्स मिलने लगे, जिसको हम कैलकुलेटिक टाइम बोलते हैं इंग्लिश में, कुछ लोग चालकुलेटिक भी बोल लेते हैं लेकिन है कैलकुलेटिक, और इसको हिंदी में बोलते हैं ताम्रपाषाण। और टाइम आपको आइडिया लग ही जाएगा, 4,000 BC तक नियोलिथिक हो गया, तो 4,000 BC से लगभग 1500 BC तक ये कैलकुलेटिक टाइम है। कौन सा मेटल मिला यहाँ पर, कॉपर और ब्रॉन्ज, कभी कभी इसको कॉपर एंड ब्रॉन्ज एज भी बोलते थे। इसीलिए आपको एक बात पता होगी, कॉपर एंड टिन मिलकर ब्रॉन्ज बनाते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, क्यूट ब्रो।
क्यूट ब्रो से आपको याद रहेगा, कॉपर एंड टिन ब्रो यानी ब्रॉन्ज बनाते हैं। अभी हम एंशियंट हिस्ट्री तक पूरा ऑर्डर लिख लें, उसके बाद हम देखेंगे कौन एमपी की कौन सी साइड किस पीरियड में थी। उम्मीद है आपको ऑर्डर तो समझ में आ रही होगा। अभी हम प्री हिस्ट्री की कर रहे हैं, उसमें ये पैलियोलिथिक, मीज़ोलिथिक, नियोलिथिक, चालकोलिथिक आ गया है। और कैसे हमें डिवाइड करना है, तो ये लिखे पढ़े साथ से आप तीन पार्ट में ये डिवाइड कर ही सकते हैं। चालकोलिथिक या कैल्कोलिथिक के बाद आएगा आयरन एज। आपको एक बार पता होगी आयरन बाद में डिस्कवर हुआ था या फाउंड हुआ था, कॉपर पहले फाउंड हुआ था। तो इसके बाद आएगा आयरन एज, जिसमें आप हिंदी में लौह युग बोल सकते हैं, आयरन को लौह बोलते हैं। इसका टाइम पीरियड लगभग 1500 बीसी से 200 बीसी तक है। यहां आपको छोटी सी बात पता होगी, 600 बीसी के आसपास जनपद महाजनपद बनने लगे थे, मतलब ये कोई एक जन है, पुरुष या महिला को जन बोलते हैं। जन का पद पड़ा एक जगह तो जनपद हो गए, ये दो तीन लोग यहां रह रहे हैं तो ये जनपद है। फिर ऐसे बहुत सारे लोग इकट्ठा होते गए क्योंकि आयरन आ गया यानी लोहा आ गया, सस्ता मेटल है, लोगों ने खेती करने के लिए औजार बना दिए, तो लोग एक जगह इकट्ठा होने लगे तो ये जनपद मिलके महाजनपद बनने लगा। तो इसी टाइम पर, इसी मतलब ऐसे जुड़ जुड़ के एक समय पर इंडिया में 16 महाजनपद हो गए थे। जब हम इंडिया की हिस्ट्री पढ़ते हैं, एंशियंट हिस्ट्री, तो ये 16 महाजनपद कैपिटल्स हमें याद करने पड़ते हैं। एमपी में भी दो महाजनपद हैं, वो हम पढ़ेंगे। 16 में से दो महाजनपद का एरिया एमपी में आता है, वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे। इसमें हम देखेंगे सबसे बड़ा महाजनपद पूरे इंडिया में मगध था, और हम ट्रिक से याद कर लेते हैं, मगध सबसे हसीन था। हसीन यानी मगध में आया था हर्यक डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी एंड नंद डायनेस्टी, हसीन। फिर नंद डायनेस्टी में फर्स्ट था महापद्मानंद, फर्स्ट राजा था महापद्मानंद, एंड नाइन्थ और लास्ट वाला था घनानंद। तो इस टाइम पर, घनानंद के टाइम पर, जैसे ये इंडिया है, ये इंडिया ग्राफ में बना दिया मैंने, मगध पर, ये मगध बिहार का क्षेत्र है, यहां पर ये घनानंद शासन कर रहा था। उसी टाइम ये वाले क्षेत्र में, इंडिया पाकिस्तान के क्षेत्र में, एबीसीडी का अटैक हो रहा था। एबीसीडी हमारी एक ट्रिक है, एबीसीडी यानी साइरस डेरियस अलेक्जेंडर, ये लोग यहाँ पर अटैक कर रहे थे। तो चाणक्य ने घनानंद से बोला कि यहाँ अटैक हो रहा है, आप सबसे बड़े और शक्तिशाली महाजनपद है, कुछ करिए। तो घनानंद ने चाणक्य की बेइज्जती की थी, बोला था आप पंडित हैं, चींटियों को अटैक लाए, राजा को क्या करना है वो मत समझे। तो चाणक्य को गुस्सा आया और उसने ठान लिया, भाई अच्छा राजा तैयार करना है किसी को। तो एक बच्चे को खेलते हुए देखा, उसका नाम था चंद्रगुप्त, तो चंद्रगुप्त को तैयार किया चाणक्य ने। बड़ा हो गया बच्चा, बलशाली हो गया, चाणक्य ने पढ़ाया था, मजबूत भी हो गया। तो फिर बाद में चंद्रगुप्त ने ही फिर घनानंद को मारा, जिसने चाणक्य की बेइज्जती की थी, और यहां से फिर मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है। तो फर्स्ट रूलर तो चंद्रगुप्त मौर्य हुआ, मौर्य साम्राज्य का। सेकेंड रूलर था बिंदुसार। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज जाते हैं क्योंकि यहाँ बिंदुसार आ रहा है, लेकिन हम महाजनपद ऊपर मगध था सबसे हसीन, हर्यंक डायनेस्टी में एक था बिंबिसार, तो यहाँ पर बी बी है और यहाँ पर बी डी है, डी बाद में आता है इसलिए बिंदुसार बाद में आया। और फिर उसके बाद आता है सम्राट अशोक, बिंदुसार का ही बेटा है। इनका सबका एमपी से ताल्लुक रहा है, तो हमें काफी कुछ पढ़ना पड़ता है एमपी हिस्ट्री कवर करने में भी, जो हम यहाँ एरो लगा के देखेंगे। यहाँ सबको पता है सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म फॉलो किया था, अपने बेटी और बेटे को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने, तो हिंदू धर्म बिल्कुल दब गया था। तो मौर्य साम्राज्य के बाद सुंग वंश की स्थापना हुई थी, जिससे ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म रिवाइव हुआ था, और इसका फर्स्ट रूलर था पुष्यमित्र सुंग। पुष्यमित्र सुंग का बेटा था अग्निमित्र, इसका भी बड़ा नाम हुआ, ये भी हम पढ़ेंगे क्योंकि कालिदास ने अपनी एक स्टोरी में इसको मेंशन किया था, इसलिए फेमस माना जाता है। फिर सुंग वंश के बाद आता है कर्ण वंश। अभी हमने सुंग वंश देखा, सुंग वंश के बाद आएगा कर्ण वंश। अगर आपको ये ऑर्डर भी याद नहीं होता है, वो भी मैं अभी करा दूंगा, ये ऑर्डर को कैसे याद करना है। उसके बाद आते हैं भाई सातवाहन वंश। सातवाहन वंश की खासियत है, जब टाइम बीसी से एडी आ रहा था, मतलब बीसी से एडी एक बार तो आना था टाइम, तो सातवाहन वंश के टाइम पर ही बीसी से एडी में चेंज हुआ टाइम, और बस इसी पॉइंट से हमने सातवाहन वंश को कंप्लीट कर लिया ट्रिक से। इसके फर्स्ट रूलर कौन थे, कौन सबसे प्रतापी राजा था, बस इस पॉइंट से हमने याद कर लिया। वो वीडियो शायद आपने नहीं देखी होगी, काफी धुंधली वीडियो है, बहुत दिन पहले अपलोड की थी मैंने। सातवाहन वंश के बाद आएंगे शक पहलव कुषाण इंडो ग्रीक। ये बाहर का अटैक है, इंडिया के बाहर का अटैक है, इन लोगों ने अटैक किया था सातवाहन के बाद। तो शुरुआत में मैंने ऐसे याद रखा था, सातवाहन वंश याद हो गया था ऐसा टाइम जब बीसी से एडी टाइम हो रहा है, तो सातवाहन के पहले भी शक थे और सातवाहन के बाद भी शक है, ऐसे याद कर लिया था। सातवाहन के बाद तो ये शक है इसलिए ये बोल रहे हैं, और सातवाहन से पहले सुंग और कर्ण था इसलिए शक, ऐसे सुंग और कर्ण याद रहते हैं। उसके बाद ये सब खत्म हो गया। उसके बाद आएंगे गुप्ता डायनेस्टी। इन लोगों ने भी पूरे भारत
को अपने शासन में मिला लिया था, लगभग पूरा भारत ही इन्होंने कंट्रोल कर रखा था। जैसी यूनिटी मौर्य में दिख रही थी वैसी गुप्ता वंश में दिखेगी। गुप्ता डायनेस्टी में राजा विक्रमादित्य टू की बेटी फैक्स हो गई थी नीचे, यानी वकाटक डायनेस्टी थी। ये दोनों डायनेस्टी बिल्कुल पैरेलल चलती रही। इनके एक बेटे की शादी यहाँ हुई थी, इसलिए इन दोनों राज्यों में लड़ाई नहीं हुई, लगभग पैरेलल चलते रहे 240 एडी से 540 एडी, सेम टाइम ही मान सकते हैं आप वकाटक एंड गुप्ता डायनेस्टीज का। फिर आपको एक याद रखना है, उसके बाद आया हर्षवर्धन, इसको वर्धन डायनेस्टी भी बोल सकते हैं। उसके बाद चालुक आते हैं। चालुक काफी कंफ्यूजिंग है क्योंकि दो चार चालुक एक साथ आते हैं, जैसे ये फर्स्ट वाले थे बादामी के चालुक क्योंकि इनकी कैपिटल बादाम थी। उसके बाद यहीं से टूट के एक ब्रांच बनी ईस्टर्न चालुक, जिसका फाउंडर मान सकते हैं कब्ज विष्णुवर्धन। अब ये तो एक जगह बैठ गया, लेकिन जो बादामी के चालुक थे इन पर राष्ट्रकूट ने अटैक कर दिया। जब भी हम राष्ट्रकूट लिखते हैं तो जीआरपी साथ में लिखते हैं, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पालवंश, इन तीनों में ट्राइपरटाइट युद्ध होता रहता था, इसलिए हम साथ में लिखते हैं, बाकी हैं अलग अलग। तो राष्ट्रकूट ने इन पर अटैक कर दिया। फिर उसके बाद वेस्टर्न चालुक आ गए, वेस्टर्न चालुक ने राष्ट्रकूट पर अटैक कर दिया। वेस्टर्न चालुक की कैपिटल थी मानखेट, हालांकि इस टाइम पर थोड़ा सा अटैक परमार ने भी किया था, जब हम स्टोरी देखेंगे तो इजिली याद हो जाएगा आपको। इस तरह से ये तीन चालुक हो जाएंगे, एक चालुक, दो चालुक और तीन चालुक। फिर गुजरात के एक चालुक भी हैं, इनका नाम मिलता जुलता है, और कुछ लोग बोलते हैं ये जो गुजरात के चालुक हैं, कुछ लोग मतलब कुछ हिस्ट्रियंस बोलते हैं ये गुजरात के चालुक, ये वाले जो ऊपर चालुक हैं इनकी ही एक शाखा थी, लेकिन ये चालुक अपने आप को खुद को अलग बताते हैं। और यहीं हम चंदेल डायनेस्टी एंड परमार डायनेस्टी को देखेंगे, क्योंकि एमपी के लिए इंपॉर्टेंट है चंदेल एंड परमार। इस तरह से हमारा एंशियंट हिस्ट्री तक खत्म हो जाएगा, यानी प्री हिस्ट्री से लेकर प्रोटो हिस्ट्री और एंशियंट हिस्ट्री यहां तक खत्म हो जाएगा। उसके बाद गौरी गजनवी आते हैं बाहर से और भारत पर अटैक करते हैं, फिर मुगल आते हैं, ये सारा मिडिवल हिस्ट्री का पार्ट है, एंशियंट हिस्ट्री का खत्म हो जाएगा। यानी इन टॉपिक्स को कंसीडर करके हमें एमपी के सारे इवेंट्स कवर करने हैं, तो आप इसका ऑर्डर याद रख सकते हैं और ये काफी काम आएगा अगर आप इसका ऑर्डर याद रखेंगे। तरीका मैंने बता दिया है, ज्यादा एक बड़ी डील नहीं है इसका ऑर्डर याद रखने में। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम इसी ऑर्डर से एमपी में क्या क्या इवेंट हुए वो कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।